इस समय में ट्रेनिंग करके इतना ज्यादा ताकतवर हो चुका था कि उसने अपनी अल्ट्रा इंस्टेंट फॉर्म को अच्छी तरीके से मास्टर कर लिया था। और उसी के अलावा गोकू ने कई सारी न्यू फॉर्म्स भी अचीव कर ली थी, जिसके बाद गोकू कहता है, तो अब समय आ चुका है कि मैं अब यहाँ से बाहर निकलूं और उन सभी गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन से बदला लूं। आखिर उन सभी ने मेरे दोस्तों के साथ ऐसा करने का सोचा भी कैसे, और अब मैं उन्हें बिल्कुल भी नहीं छोड़ने वाला। और हम सभी देखते हैं कि गोकू अपना काफी ज्यादा पावर अप करने लगता है, जिससे पूरे का पूरा टाइम चेंबर एकदम टूट जाता है और बहुत ही बड़ा धमाका होता है, जिसके बाद गोकू टाइम चेंबर से बाहर आ जाता है, जिसे देख के डेंडे भी काफी ज्यादा घबरा जाता है। और डेंडे कहता है, हे गोकू, आखिर तुमने ये कैसे किया? टाइम चेंबर पहले से काफी ज्यादा एडवांस हो चुका था, लेकिन फिर भी तुमने टाइम चेंबर को उड़ा दिया, यानी कि अब तुम्हारी शक्तियाँ काफी ज्यादा हो चुकी है गोकू। जिसके ऊपर गोकू कहता है, हाँ डेंडे, लेकिन अब ये समय इन सभी बातों का नहीं है। मैं जा रहा हूँ उन सभी गॉड्स के पास, ताकि मैं गोहान, वेजिटा, ब्रोली और अपने सभी दोस्तों का उन सभी से बदला ले पाऊँ। और हम सभी देखते कि ये बोलते गोकू वहाँ से निकल जाता है, और गोकू सबसे पहले यूनिवर्स 11 में जाने के लिए निकलता है, और बेलमोड वहीं पर बैठा हुआ होता है। तभी बेलमोड को अचानक से एक आवाज़ आती है और वो कहता है, मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा कि आखिर तुम इतनी चैन से आराम कैसे कर सकते हो, क्या तुम्हें नहीं पता कि मैं यहाँ पर आने वाला हूँ? जिसके बाद बेलमोड जैसी आंखें खोल के देखता है, वो देखता है कि गोकू उसके सामने खड़ा होता है। और गोकू को देख के बेलमोड काफी ज्यादा चौंक जाता है और वो कहता है, क्या आखिर तुम सेन यहाँ पर कैसे आए? तुम्हें तो उस टाइम चेंबर के अंदर हमेशा हमेशा के लिए मैंने बंद कर दिया था। जिसके ऊपर गोकू कहता है, क्या तुम्हें सच में लगा था बेलमोड कि तुम मुझे उस टाइम चेंबर में हमेशा हमेशा के लिए बंद कर सकते हो? और जो कुछ भी तुमने किया है मेरे दोस्तों को खत्म करके, उसके लिए मैं तुम्हें कभी भी नहीं माफ करने वाला। जिसके ऊपर बेलमोड हंसते हुए कहता है, तो तुम्हें क्या लगता है सीन कि तुम मेरा सामना कर सकते हो? तुम्हारे दोस्तों ने भी यही सोचा था कि वो हम गॉड्स का सामना कर सकते हैं, हमने उन्हें बहुत ही बुरी मौत दी है, तो अब लगता है कि तुम्हारी बारी है सैयन। जिसके ऊपर गोकू कहता है, बेलमोड यही तो तुमने अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती कर दी। और हम देखते कि ये बोलते गोकू अपनी अल्ट्रा इंस्टेंट फॉर्म पे चले जाता है, और बेलमोड ही देखे काफी ज्यादा चौंक जाता है। और बेलमोड कहता है, क्या आखिर ऐसा कैसे हो सकता है? तुम जैसा एक मॉर्टल अल्ट्रा इंस्टेंट को इतनी आसानी से कैसे हासिल कर सकता है? जिसके ऊपर गोकू कहता है, अभी तो तुमने कुछ देखा ही नहीं है बेलमोड, शायद तुम्हें नहीं पता कि मैं कितना आगे जा चुका हूँ। और ये बोलते गोकू अपनी अल्ट्रा इंस्टेंट फॉर्म पे एक अटैक करता है बेलमोड के ऊपर, जिस एक अटैक से ही बेलमोड की काफी बुरी हालत हो जाती है। और ये सभी गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन को भी पता चल जाता है कि ये गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन बहुत ही बुरी हालत में है। और उन सभी को जैसे ही पता चलता है कि बेलमोड की हालत काफी ज्यादा खराब हो चुकी है, सभी लोग काफी तेजी से यूनिवर्स 11 के लिए निकल जाते हैं। और दूसरी तरफ गोकू कहता है, तो लगता है कि एक गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन तो खत्म हुआ, और उसके बाद सभी गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन की बारी आएगी। और ये बोलते ही गोकू अपना काफी बड़ा अटैक कर देता है बेलमोड के ऊपर, जो देख के बेलमोड काफी ज्यादा चौंक जाता है। और बेलमोड की हालत पहले से काफी ज्यादा बुरी हो चुकी होती है, जिससे वो इस अटैक को हटा भी नहीं सकता है। और तभी हम सभी देखते कि एक बहुत ही बड़ा अटैक आता है और वो गोकू के उस अटैक को हटा देते हैं। और हम सभी देखते कि सारे यूनिवर्सेस के गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन गोकू के सामने खड़े होते हैं। और तभी कुटेला कहता है, hey, बेलमोड, आखिर तुम इस सेन के हाथों इतनी बुरी तरीके से कैसे मार खा सकते हो? और तभी एक गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन कहती है, हाँ बेलमोड, हमें तो लगा था कि तुम शक्तिशाली होगे, लेकिन तुम एक मॉर्टल के हाथों इतनी बुरी तरीके से कैसे पिट सकते हो, जिस वजह से हम सभी गॉड्स को तुम्हारे पास आना पड़ा। जिसके ऊपर गोकू कहता है, अच्छा हुआ कि तुम सभी यहीं पर आ गए, क्योंकि मैं तुम लोगों को एक एक करके ढूंढता, इससे अच्छा अब मैं तुम सभी को एक बार में ही खत्म कर दूंगा। और ये सुनके एक गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन कहता है, हे आखिर तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम हम गॉड से ऐसे बातें करो? तुम्हारे साथी सीएंस ने भी हमारे सामने खड़े होने की हिम्मत करी थी और हमने उन्हें मौत के घाट उतार दिया। और हम देखते कि ये सुनते गोकू को काफी ज्यादा गुस्सा आने लगता है, और गोकू अपनी अल्ट्रा इंस्टेंट फॉर्म से सीधा मास्टर अल्ट्रा इंस्टेंट फॉर्म पे आ जाता है। और वो कहता है, तो तुम सभी गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन एक एक करके मरना चाहोगे, या फिर एक साथ
और ये बोलते गोकू बेलमोंट की तरफ अपना एक अटैक करता है, लेकिन हम सभी देखते हैं कि कुछ गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन गोकू के सामने आ जाते हैं और गोकू उन्हें देख के कहता है, ओ अच्छा तो लगता है कि बेलमोंट से पहले तुम सभी मरना चाहोगे। और ये बोलते गोकू अपने काफ़ी सारे अटैक उन सभी गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन के ऊपर करने लगता है, लेकिन हम सभी देखते कि वहाँ पर बीरस भी होता है जो कि उन सभी अटैक से बड़ी आसानी से बच जाता है और वो एक तरफ खड़ा हो जाता है। और बीरस गोकू से कहता है, गोकू जरा संभल के, इन सभी के साथ में मैं भी था। जिसके ऊपर गोकू कहता है, क्या लॉर्ड बीरस, क्या आपने भी इन सभी का साथ दिया है? जिसके ऊपर बीरस कहता है, नहीं गोकू, मुझे तो पता भी नहीं है कि यहाँ पर क्या चल रहा है। जिसके ऊपर गोकू कहता है, लॉर्ड बीरस, इन सभी गॉड्स ने ब्रोली, गोहान और वेजिटा को ख़त्म कर दिया। सिर्फ इतना ही नहीं, इन लोगों ने हमारे प्लैनेट अर्थ को भी तबाह कर दिया और मुझे टाइम चेंबर के अंदर काफ़ी लंबे समय से बंद करके रखा था। जिस पे बीरस कहता है, ओ अच्छा गोकू, मुझे लगा ही था कि ये सब गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन कुछ ना कुछ तो बेवकूफ़ी करेंगे ही, और मैंने भी तुम्हें पहले ही चेतावनी दे दी थी कि अगर तुम सेकेंड टूर्नामेंट ऑफ पावर कराने जाओगे तो तुम्हारे साथ बहुत कुछ हो सकता है। जिसके ऊपर गोकू कहता है, पर लॉर्ड बीरस, अगर ये सब इन सभी को करना था तो ये सब मेरे साथ कर सकते थे, लेकिन इन लोगों ने मेरे दोस्तों को मार के बहुत ही बुरा काम किया और अब मैं इनमें से किसी को भी जिंदा नहीं छोड़ने वाला। जिसकी दूसरी तरफ हम सभी देखते हैं गोकू पलक झपकते उन सभी गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन के काफी सारे अटैक करने लगता है और गोकू की ये पावर देख के सारे गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन हैरान रह जाते हैं। और तभी एक गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन कहता है, क्या आखिर इस सीन के पास इतनी ज्यादा शक्तियां आखिर कैसे आ सकती है? जिसके ऊपर बेलमोंट कहता है, हे बीरस, आखिर तुम वहां पर खड़े खड़े क्या कर रहे हो? क्या तुम हमारा साथ देना नहीं चाहोगे? भूलो मत, तुम भी एक गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन हो। जिसके ऊपर बीरस कहता है, बेलमोंट, मैंने तुम्हें याद है पहले ही कह दिया था कि चाहे कुछ भी हो जाए मैं तुम सभी का इस मामले में साथ नहीं देने वाला, तो अब मैं यहाँ से जा रहा हूँ। गोकू, तुम्हें जो कुछ भी करना है करो, लेकिन मेरी एक बात को याद रखना कि अगर तुम इन सभी गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन को ख़त्म कर देते हो तो ब्रह्मांड में एक काफ़ी बड़ा खतरा आ सकता है जिसके लिए कोई भी कभी भी तैयार नहीं होगा। और ये बोलते बीरस वहाँ से निकल जाता है। जिसके ऊपर गोकू कहता है, लॉर्ड बीरस, चाहे आज कुछ भी क्यों ना हो जाए लेकिन मैं इन सभी गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन को ख़त्म करके रहूँगा। और ये बोलते गोकू अपने काफ़ी बड़ा अटैक तैयार करने लगता है जो देख के सारे गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन काफ़ी ज़्यादा घबरा जाते हैं। और तभी बेलमोंट कहता है, नहीं, इस सेन के पास काफ़ी ज़्यादा शक्तियाँ हैं, तो हम सभी गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन को इसके सेन के लिए एक होना पड़ेगा। जिसके ऊपर एक गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन कहती है, क्या तुम सच में वो चीज़ करना चाहते हो बेलमोंट? क्योंकि आज तक सिर्फ हम सभी ने वो चीज़ एक बार ही करी है। जिसके ऊपर बेलमोंट गुस्से में कहता है, क्या तुम्हें लगता है कि हम इस सीन के अटैक से बच पाएंगे? तो हमें वो जल्द से जल्द करना पड़ेगा। जिसके ऊपर हम सभी देखते कि गोकू अपना वो अटैक लॉन्च कर देता है उन सभी गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन की तरफ, लेकिन तभी वहाँ पर एक काफ़ी बड़ा धमाका होता है और हम सभी देखते कि वहाँ पर एक काफ़ी बड़ी रोशनी निकल कर आती है और उस रोशनी में से एक अनजान शख्स बाहर निकल कर आता है। जिसके ऊपर गोकू कहता है, क्या आखिर तुम कौन हो और वो सारे के सारे गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन आखिर कहाँ पर भाग गए? जिसके ऊपर वो शख्स कहता है, जरा ध्यान से देखो सैयन, हम उन सभी गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन का फ्यूजन है। जिसके ऊपर गोकू कहता है, तो तुम सभी गॉड्स को क्या लगता है कि तुम सभी आपस में मर्ज होके मुझे हरा पाओगे? अगर तुम्हें ऐसा लगता है तो ये तुम्हारी सबसे बड़ी गलतफहमी है। जिसके ऊपर वो फ्यूजन कहता है, ओ अच्छा सैयन, तो हमें कभी भी नहीं लगा था कि हमें इस फ्यूजन को वापस से इस्तेमाल करना पड़ेगा, लेकिन मानना पड़ेगा एक सैयन ने हमें इस फ्यूजन को अपनाने में मजबूर कर दिया, और हम जब सारे गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन तुम्हें हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म कर देंगे तो तुम्हें हमेशा याद रखेंगे गोकू, क्योंकि तुम पहले ऐसे शख्स होंगे जिसके सामने हमने इस मर्ज टेक्निक को आजमाया है। तो तैयार हो जाओ गोकू, क्योंकि अब तुम देखोगे हम सभी गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन की असली शक्ति।